नमस्कार, आप देख रहे हैं केएम न्यूज टीवी चैनल। देश में जहां एक तरफ पुलवामा हमले के बाद आतंक का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात दमन में समाजवादी पार्टी की तरफ से सभा का आयोजन रखा गया था, जहां जमकर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वैसे तमाम शहीद हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, आप शहीदों के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि दमन में, गुजरात में, सिलासर जहां भी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलजुल करके माननीय अखिलेश यादव जी के सपने को साकार करें। उत्तर प्रदेश से राजनीति निकलती है, वहां से प्रधानमंत्री निकलते हैं और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, क्रांतिकारी महाराष्ट्र जी, हम लोगों ने गठबंधन पूरी तरह से गठबंधन करके हम लोगों ने संकल्प दिया है कि हम लोग किन लेकर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे या बनाएंगे, ऐसा संकल्प किया है। आप सभी सहयोग चाहते हैं, अगर आप नोटबंदी से, जीएसटी से नौकरी आपकी गई है, परेशान हुए हैं, आप तमाम कठिनाइयों का सामना किए हैं, तो आप लोग सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हम समाजवादी हो गए, संघर्षों के आदि हम समाजवादी हैं, संघर्षों के आदि हम समाजवादी हो, आपके सीबीआई से, एनआईए से या एनएस से डरने वाले हैं। इसलिए चुनाव के बीच में आप लोगों को जनता के बीच में जाना होगा और लोगों को बताना होगा कि बात करने वाली सरकार चाहिए या काम करने वाली सरकार चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात की धरती में उन्होंने अपना पैर रखा था तो गुजरात देश के ऊपर 45,301 करोड़ रुपए का कर्जा था गुजरात प्रदेश पर, और जब उन्होंने दो ट्रंप शासन किया गुजरात पर तो 2012 में गुजरात का कर्जा 1,38,978 करोड़ हो गया। विकास किसका हुआ? विकास कर्जे का हुआ कि आपकी का हुआ? आज भी गुजरात लोगों को पानी नहीं मिलता है और यही हालत इन्होंने जब केंद्र में सत्ता हासिल की तो 54,90,763 करोड़ रुपए का कर्जा था देश के ऊपर, और इनके 5 साल के शासनकाल में वो कर्जा बढ़कर के 82,03,253 करोड़ हो गया। किसका विकास हुआ? ये विकास किसका है? कर्जे का। ये प्रधानमंत्री जी वही है, आपके नाम पर, आपके प्रदेश के नाम पर, देश के नाम पर कर्जा लेकर के, और आपको कहें कि हमने देश का विकास किया, आपको कहें कि हमने प्रदेश का विकास किया। दोस्तों, अभी हमारे देश में 6 साल के बाद कुंभ आया था, प्रयागराज में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उस कुंभ के बाद एक और कुंभ आने वाला है, तो 2.5 महीने बाद वो है हमारा लोकतंत्र का कुंभ, यानी आम चुनाव होने वाले हैं 2019 के, और शायद इसी मद्देनजर हम आप यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो महापर्व आने वाला है, ये हमारे लोकतंत्र और हमारे आपके हक के लिए और देश की सुरक्षा विकास के लिए सही कैंडिडेट और सही पार्टी को चुनने का एक माध्यम है। मुझे नहीं मालूम, हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं, अपने देश की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के हम समर्थन नहीं है, अपने देश देश के सेना के साथ है, और ये कौन मांग कर रहा है ये उनसे सवाल कर रहा है। सर, हम मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से उनको क्या बयान जाना चाहिए?
हमारी तरफ से तो उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। जो सीमाएं हमारे असुरक्षित हैं, रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, तो सेना को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए। इस विषय पे आप बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार फेल है, चौकीदार फेल है, चौकीदारी ठीक से नहीं कर पा रहा, केवल राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री जो झूठा कोई देश का आज तक प्रधानमंत्री नहीं होगा, जितने वादे करते हैं कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। ये प्रोग्राम जो भी जनता देखेंगी उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश की जनता से कहना चाहते हैं कि जिस देश में भूखमरी हो, गरीबी हो, आज भी कुपोषण के शिकार 7,000 से अधिक बच्चे रोज मर रहे हैं, एक एक समय का चूल्हा जल रहा है, अस्पतालों दवाई का इंतजाम नहीं है, नौजवान जो है नौकरी के अभाव में आत्महत्याएँ कर रहा है, किसान आत्महत्याएँ कर रहा है, तो आप 2019 में जो है नए प्रधानमंत्री बनाइए, नई सरकार बनाइए, जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, उनकी समस्या। मैं देश के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने डिग्री के हिसाब से रोजगार की मांग करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के हिसाब से पकौड़े और चाय की दुकान पर भरोसा मत करिए, और जो सरकार पकोड़े के रोजगार को रोजगार बताती है या चाय बेचने को रोजगार बताती है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए और शिक्षित सरकार को लाइए जो युवाओं के बारे में रोजगार दे सके, उनके भविष्य के बारे में सोचे। आपकी सरकार से आजकल की युवा किस तरह की उम्मीद? हमारे नेता श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवाओं के लिए काम किया है वो पूरी दुनिया जानती है, उनको कई अवार्ड भी इसके लिए मिले हुए हैं, उनका विकास जमीनी स्तर पे दिखा है, और ख़ास करके युवा अखिलेश जी को पूरे देश में पसंद करते हैं, और उम्मीद है कि अखिलेश जी को अगर कभी मौका केंद्रीय स्तर पे मिला, देश लेवल पे मिला, तो युवाओं को कभी वो जो है दुखी नहीं होने देंगे, उनका हर तरह से ध्यान रखेंगे। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहे KM News TV चैनल।